आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जाम की समस्या से निजात दिलाने, ओवरलोडिंग रोकने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा, ई रिक्शा के संचालन को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। मंडलीय कारागार का एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने किया निरीक्षण, कैदियों का जाना हाल, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, कहा जेल की व्यवस्था है सुदृढ़, नहीं है कोई कमी। मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल स्तरीय उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, उद्यमियों की समस्याओं को गुणवत्ता पूर्वक एवं समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। 28 नवंबर को एक मैरिज हॉल में डीजे बंद कराने के विवाद में हुए युवक की हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गोरखनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त ईंट किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। नवंबर माह में चलने वाले यातायात माह का मंगलवार को हुआ समापन, बेहतरीन कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस को किया गया सम्मानित, एसपी ट्रैफिक ने कहा पूरे माह में 6,136 वाहनों का चालान करते हुए 13,40,200 रुपए वसूला गया जुर्माना। सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा शिक्षा के साथ सांस्कृतिक प्रतिभागिता से होता है समुचित विकास। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 237 केंद्रों पर कुल 30,286 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,576 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 23,710 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 15 दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ समापन, प्रदर्शनी में अच्छी बिक्री करने वाले व्यापारियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। और भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन की बैठक हुआ संपन्न, मजदूरों की समस्याओं पर की गई चर्चा, निस्तारण की बनी रणनीति।